Hello students, today we start the next topic of refraction, and in the earlier classes we had studied the two cases, but today we will see that the third case. And the third case is when the light fall perpendicularly on the glass lamp. मतलब कि अगर कोई 90 डिग्री पे कोई लाइट किसी ग्लास लैम्प पे पड़ रही है तो क्या होगा? तो जब कभी भी कोई लाइट रेज ये ग्लास लैम्प है, ये ग्लास स्लैब है, तो जब कभी भी कोई लाइट किसी ग्लास लैम्प पर परपेंडिकुलरली पड़ती है तो उसका रिफ्रैक्शन नहीं होने पाता है, वो एकदम स्ट्रेट आती है, ठीक है ना? क्यों? क्योंकि स्ट्रेट परपेंडिकुलर होने के नाते उसकी स्पीड में बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं होते हैं, जिसके कारण के रिफ्रैक्शन नहीं होता है या नहीं होता है। आज का दूसरा टॉपिक है हमारा लैटरल डिस्प्लेसमेंट। इसका डायग्राम बनाने के लिए आया था 2019 में, ठीक है ना? तो ये इंपॉर्टेंट है और ये प्रैक्टिकल हम प्लान में करेंगे, ठीक है? लैटरल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? देखिए, ये हमारा ग्लास स्लैब है, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। ये इंसिडेंट रे है, आप जान रहे हैं लाइट का वेव किसमें आएगा? और यहां से देखिए ये डेंसर था और इसके बाद ये क्या है, रेयर है। तो जब लाइट डेंसर से रेयर में जाएगी तो नॉर्मल से क्या होगा? मूव होगा। तो ये मैंने इंसिडेंट रे लिखा है, ये वाला हमारा रिफ्रैक्टेड रे है, और ये जो रे निकल रही है फाइनली उसको इमर्जेंट रे कहते हैं। क्या कहते हैं? इमर्जेंट रे, ठीक है। अब लैटरल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है कि हमारा ओरिजिनल लाइट तो ये था और इमर्जेंट रे ये है, तो ये ओरिजिनल लाइट को यदि हम डॉट करके आगे की ओर बढ़ाए तो ये ओरिजिनल लाइट का ये पाथ हो गया और ये इमर्जेंट रे हो गया। तो इस इमर्जेंट रे और ओरिजिनल पाथ ऑफ लाइट रेस के बीच का ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ रहा है, इसी को हम क्या बोलते हैं? लैटरल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। बात समझ में आया? लैटरल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द इमर्जेंट रे एंड द इमर्जेंट सॉरी द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द इमर्जेंट रे एंड ओरिजिनल पाथ ऑफ लाइट रेस इज नोन एज लैटरल डिस्प्लेसमेंट। इसी को हम क्या कहते हैं? लैटरल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, ठीक है ना? दूसरी बात, अब हम अपने डेली लाइफ में जो रिफ्रैक्शन का हमको एग्जांपल दिखता है वो हम अब देखेंगे कि हमें रिफ्रैक्शन का एग्जांपल अपने डेली लाइफ में कहां कहां दिखता है, ठीक है ना? जैसे आपने देखा होगा बहुत बार कि जब आप शीशे के ग्लास में नींबू रखते हैं पानी में तो नींबू की साइज बहुत बड़ी बड़ी दिखाई देती है, ठीक है ना? तो वो भी क्या है? हमारा एक तरह का रिफ्रैक्शन। पेंसिल रखेंगे तो पेंसिल हमें तिरछा दिखाई देगा। स्विमिंग पूल वगैरह में देखे होंगे जब ट्रांसपेरेंट एकदम पानी रहता है तो स्विमिंग पूल का जो बेस होता है तली वो लगता है ऊपर है, मींस गहराई उसकी कम नजर आती है, लेकिन जब एक्चुअल में हम उसमें जाते हैं तो उसकी गहराई क्या होती है? ज्यादा होती है। तो ये भी किस कारण होता है? रिफ्रैक्शन के